हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। सिरसागंज में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा कुशवाहा बुधवार को इटावा रोड स्थित पुराने बस स्टैंड पर बसपा उम्मीदवार पंकज मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका और न ही लोगों के हाथ विकास लगा। आगे उन्होंने कहा कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हर वर्ग के लोगों का विकास किया जाएगा। आगे कहा कि भाजपा की सरकार में किसान परेशान है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम पर है, खाद तेल के अलावा डीजल पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अपराध मुक्त यूपी का दावा करने वाली भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं उन्होंने हाथरस की बिटिया का जिक्र करते हुए कहा प्रदेश सरकार उसके साथ न्याय नहीं कर सकी, उसका मर्डर हो गया, उसके अंतिम समय पर उनके परिवार वालों को मुंह तक नहीं देखने दिया और कहा हमारे पास में संविधान ने सरकार बदलने का अधिकार दिया है और हम एक बटन दबाकर इस सरकार को बदल सकते हैं, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक बसपा पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर इनको विधानसभा में बिठाएं। हमारे इस फिरोजाबाद विधान जिले से सारे कैंडिडेट जीतेंगे। अभी आप लोगों ने भी पंकज मिश्रा जी को सुना, लोगों में उनका बहुत ही अच्छा माहौल है, हर कोई उनको पसंद कर रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पहले भी काम किए हैं जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो वो सब उनका जो सामाजिक कार्य है उसको जनता समझ रही है। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है और वो जीत करके आ रहे हैं इस विधानसभा में और बीएसपी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।